नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर टीवी। यह है हमारा स्पेशल शो, आज क्या रहा इतिहास में खास। चलिए शुरू करते हैं। आज ही के दिन 1871 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैयद हसन इमाम का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1881 में अमेरिका में पहली बार टेनिस चैंपियनशिप खेला गया। आज ही के दिन 1919 में अमेरिकन कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। आज ही के दिन 1956 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राज्य पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी दी। आज ही के दिन 1957 में मलेशिया ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की। आज ही के दिन 1968 में भारत में टू स्टेज राउंडिंग रॉकेट रोहिणी MSV फर्स्ट का सफल प्रक्षेपण किया गया। आज ही के दिन 1990 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी ने राजनीतिक और कानूनी व्यवस्था के तालमेल के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए। आज ही के दिन 1997 में ब्रिटिश की राजकुमारी डायना की पेरिस में एक कार दुर्घटना में मृत्यु हुई। आज ही के दिन 1998 में उत्तर कोरिया ने जापान पर बैलिस्टिक मिसाइल को दागा। आज ही के दिन 2002 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपना नामांकन पत्र वापस लिया। आज ही के दिन 2005 में इराक की राजधानी बगदाद में धार्मिक अवसर पर फिदायीन हमले के भय से मची भगदड़ में 816 लोग मारे गए। आज ही के दिन 2008 में सरकार ने अमरनाथ भूमि विवाद सुलझाया। आज ही के दिन 2010 में भारत सरकार ने पाकिस्तान बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 2.5 करोड़ डॉलर किया। दोस्तों, यह था आज के दिन का इतिहास। इतिहास में कौन सी सन में आज के दिन क्या क्या घटनाएं हुई, वो तमाम घटनाएं हमने आपको बताई। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार।